Hey, so guys, कैसे हो? I hope कि आप सभी बढ़िया एंड मस्त हो। और यहाँ पे आते हैं और नाव में ना घूमें तो कुछ मज़ा ही नहीं, क्योंकि आजकल तो मुझे ऐसा लगने लगा नर्मदा नदी आओ या कहीं जाओ, अगर नाव में नहीं बैठे तो फिर वो आनंद ही क्या, सुकून क्या और एक वो फीलिंग ही क्या। तो हमने तो डिसाइड कर लिया और कन्फर्म हम नाव में जाएंगे, सवार करेंगे, मैं और हमारा कैमरामैन। अभी तो हम मंदिर नहीं गए, हमने प्लान किया है कि सबसे पहले हम नाव में घूमेंगे, सवार करें नाव की, उसके बाद मंदिर जाएंगे और जो मंदिर आपको नहीं दिखा है और यहाँ की खासियत वो देखेंगे। तो यहाँ का नर्मदा नदी, नर्मदा का जितने मंदिर है, जो पीछे मंदिर दिखाई दे रहा है तो वहाँ जाना है, और जितने मंदिर खंडर हो चुके हैं वो भी दिखाएंगे। इस बार मतलब कि ऐसा है कि मैं अकेला नहीं हूँ, अकेला क्योंकि मेरे साथ है कैमरामैन और मेरे साथ चलेगा और मैं भी उसके साथ। और ऊपर जाना है, उधर ऊपर टेकरी पे एक अच्छा सा ग्राउंड सा है, वहाँ पर जाना, पहले गए थे पर पहले इतना वो नहीं था कि हमको ब्लॉग बनाना है, बट अब तो याद है, यहाँ के एक्सप्लोर कर देंगे सारी चीज़ें और सारे व्यू सारे दृश्य दिखाते हैं। तो बने रहे हमारे वीडियो पे, और अभी अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन, जो भी नई नई ब्लॉग नई वीडियो आपको मिलते रहें, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो रोमांचक वीडियो ब्लॉगिंग करता रहता हूँ। और अच्छे से एक्सप्लोर करने वाला हूँ वीडियो को कुछ। सभी हम बैठ गए नाव में और हमको ये सीन एंड व्यू और कैसा नज़र आता है वो देखते हैं, एंड काफ़ी अच्छा नज़र आएगा। सो गाइस, हम आए लावी कुंड एंड ये नर्मदा नदी के बीच तट पर बसा हुआ है, इस कुंड पर आए, लावी कुंड बोलते हैं, काफ़ी अच्छा है कुंड और अच्छा मरम्मत एंड मॉडिफाइड टाइल्स भी लगा दिए यहाँ पे। और गर्मी उस टाइम पे आए थे एक बार, पिछली वीडियो है मेरे पास, उसको भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। इसी कुंड पे आए थे, पानी इतना नहीं था और पैदल चल के आना पड़ा, बट इस बार तो पूरी नाव को अंदर डालना पड़ा, जो अभी बची हुई है। चलते हैं अगली और अगली लोकेशन पर और अगले व्यू दिखाते हैं। हमको आना था इस तो लंबा टूर गए और इस कुंड पे आना था, इस कुंड पे भी आ गए। तो यहाँ एक के बाद एक नाव आते रहते हैं। नाव की टक्कर, नाव से नाव टकरा गई थी, बट गिरे नहीं, इतनी तेजी से भी नहीं था। नाव की सवारी हुई एंड अब जाते हैं मंदिर, और मंदिर कैसा है वो तो आपने पिछली वीडियो नहीं देखा तो वो देख लीजिए। एंड वो उस टाइम में इतना मज़ा नहीं था, बट इस बार सब चीज़ एक्सप्लोर होने वाली है, और मंदिर का परिक्रमा। पिछली बार हम गए थे इस रूट से गए थे, इस बार हम अगले रूट से जा रहे हैं,
सामने वाला फ्रंट रास्ता है जो आपको पिछली वीडियो में बोला था कि ये रास्ता मार्केट को जाता था, हम उधर से जा रहे हैं। नाव की सवार हो गई है और ये पीछे देख रहे हैं मंदिर, यहाँ जाना है। और पिछली वीडियो थी उसमें दादाजी के साथ आए थे, पर दादाजी थे तो इतना वीडियो शूट नहीं कर पाया था, और हमारे साथ हमारे मित्र हैं। एंड अब तो आज तो बहुत घूमेंगे, और जो आज की ब्लॉगिंग है ऐसी ब्लॉगिंग होने वाली है ऐसी अभी तक कोई भी ब्लॉगर नहीं की होगी, क्योंकि पिछली बार इस रास्ते से गए थे, अब इधर से जाना है। और पीछे का मंदिर उसको घूम के आना, उसको ऊपर एक और मंदिर है वो भी देखना, यहाँ का नर्मदा जी की तो ऐसी चीज़ है। सो अभी हम चलते हैं मंदिर, और मंदिर घूमते हैं, और सुबह एक टेकरी जाएंगे। एंड जब ये नर्मदा नदी का जो बहाव आता है इतना तेज़ी से आता है कि राइट साइड गांव डूब जाते हैं। क्योंकि आपने वो नर्मदा का नहीं सुना है तो आप यूट्यूब पे जाएंगे, सर्च करेंगे तो आपको सर्च बार में दिख जाएगा नर्मदा नदी का जो भयंकर बाढ़ आई थी, राइट साइड को गाँव को खाली करना पड़ा। नर्मदा नदी वो नर्मदा नदी है जो बहुत लंबी नर्मदा नदी, सो गाइस आज हम दूसरे मार्ग से जाएंगे मंदिर के अंदर द्वार में। एंड ये है रास्ता, मतलब घूम फिर के मतलब आने का नहीं, कहीं से चले जाओ मंदिर का तेजा है। एंड ये पीछे का दृश्य व्यू देख रहे हो, जब यहाँ पे अमावस या भुतड़ी अमावस जब आता है तो इतना भीड़ रहता है कि काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहता है। सो गाइस मंदिर में हम आ गए, ये दूसरे द्वार से आ रहे हैं क्योंकि पिछली बार दादाजी के साथ आए थे, आगे से आए थे और इधर से चले जाएंगे, बट अभी इधर से आए क्योंकि मैंने आपको कमेंट किया था और बोला था कि तब भी आऊँगा अलग अलग व्यू अलग अलग चीज़ों के साथ आऊँगा और अलग अलग कंटेंट के साथ आऊँगा। सो अभी घूम रहे हैं मंदिर, बहुत अच्छा लग रहा है, ये जगह बहुत ही अच्छी बहुत ही सुंदर देखने को हमको मिल रही और आपको भी। बेसिकली कि ये जो इमारत है मंदिर काफ़ी पुरानी है, बहुत ही पुरानी, और पुरानी चीज बहुत अच्छा लगता है देखने को। है सो गाइस जो पीछे वाला मंदिर है वो ऊपर जाने की जगह है, वहाँ नहीं गए तो अब वहाँ का सीन आपको दिखाते हैं। सो गाइस हम जो पिछली बार जो आपको बताया था कि ऊपर जाना है, ऊपर का जो मंदिर खंडकेसा है जा रहे हैं, और रास ऊपर कोई नहीं जाता है, बस ऐसे ही जाते हैं जिसको जाना रहता है देखना रहता है ऊपर से नर्मदा का सीन देखना, यहाँ पर कोई नहीं जाता तो उसका रास्ता भी काफ़ी ख़राब हो गया। तो फाइनल गाइस हम ऊपर आ गए, और यहाँ का दृश्य आपको मैंने यहाँ पे कितनी वीडियो बताया था पर उन्होंने उन वीडियो में नहीं दर्शाया था, बट आज की वीडियो कुछ स्पेशल ही है, तो आज को क्योंकि हमने ठान लिया क्योंकि आज की ब्लॉगिंग बहुत अच्छी होने वाली है। सो हम मंदिर में प्रवेश हो गए शिवलिंग की ओर, तो मंदिर में आ गए एंड शिवलिंग
काफी सुंदर, बहुत सुंदर। यहाँ से जो व्यू देखने को मिलता है नीचे का सीन बहुत ही अट्रैक्टिव बनाता है, काफ़ी अच्छा नज़ारा देखने को मिलता है। हमने अभी मंदिर गए, मंदिर से आ गए और काफ़ी अच्छा। और पिछली बार तो वहाँ पे थोड़ा कमेंट कर दिया बट वहाँ पर थोड़ी कुछ भीड़ थी तो मैंने सोचा कहाँ यार चलो ठीक है वीडियो बनाते हैं। अगर आपको मेरी पुरानी वीडियो देखना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए, सारी वीडियो को लिंक दे रखा हूँ। सो गाइस ऊपर तो अलाव है, मैं लगा कि ऊपर अलाव नहीं है, बहुत काफ़ी भीड़ रहती है तो यहाँ पे पहरा पुलिस का लगे रहता है। ये है मंदिर और आप देखिए उसमें कुछ तलवार सा बना हुआ है, मतलब कि चारों चमेर चारों तरफ से एक तलवार का आइकन सा दिख रहा है अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखते हो तो। यहाँ का मंदिर और काफ़ी अच्छा लगता है, बहुत सुहाना। और हमने सोच रखा है क्योंकि कभी भी नर्मदा आएंगे और का वीडियो तो बनना प्रॉपरली है। सो अभी यहाँ पे घूम रहे और ऊपर का एक दृश्य दिखाते हैं। सो निकलते हैं। सो भाई जो यहाँ की कलाकारी की तो हर मंदिर की कह नहीं जाए क्योंकि इतनी शानदार कलाकारी करते हैं कि इतनी शानदार कि वाह यार आज के नए युवक भी नहीं कर पाते हैं बट आजकल के जो नए कोई कोई रहते हैं वो भी कर सकते हैं बट जो कलाकारी है तो वो बहुत ही रोमांचक और देखने लायक है। सो बेसिकली गाइस इतना तो मैं कंफर्म एंड गारंटी के साथ कह दूं कि अभी तक जो आज के ब्लॉग है और आज की वीडियो है ऐसी किसी ने बनाया नहीं होगा। सो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन दबा दे क्योंकि मैं ऐसे ही ट्रेवलिंग करता रहता हूँ और ब्लॉग लाता रहता हूँ। यहाँ का मंदिर एंड जो यहाँ के कोई कोई छोटे छोटे मंदिर है वो मैंने खुद ने नहीं देखा, अगर यहाँ की पूरी दृश्य एंड पूरा व्यू दिखाऊँ ना तो पता नहीं किस दिन भर सुबह से लेकर शाम हो जाए क्योंकि यहाँ पे एक एक चीज़ बारीकी से दिखाऊँ आपको तो ये तो बहुत काफ़ी टाइम लगे। सो अभी तो आपको मेन मेन टॉपिक एंड मेन मेन पॉइंट दिखा रहा हूँ। वीडियो में बोल दिया कि जब भी आऊँगा नई नई चीज़ ज़रूर देखने को आपको मिलेगी। अभी तो हम जाते हैं ऊपर नई लोकेशन पर। सो गाइस हम आ गए अपूर्ण मंदिर, जो विद्वानों का कहना है कि ये मंदिर लाल पत्थर से बनाया गया था, इसमें छत नहीं है और छत नहीं है तो मतलब अपूर्ण का मतलब ये होगा कि ये मंदिर आधा ही कंप्लीट हुआ था, लगभग 12वीं शताब्दी में बना था। तो हम आपको अंदर का व्यू दिखाते हैं एंड यहाँ पे कोई मूर्ति वूर्ति कुछ नहीं है और विद्वानों का पहले व्यक्तियों का कहना है कि ये अपूर्ण मतलब कि आधा ही कंप्लीट हुआ था और ये छत इसमें नहीं डला हुआ, तो क्या पता इसका हमको कुछ रीज़न नहीं पता और इस मंदिर के लिए हम आए हैं। तो हमको आपको यही मंदिर दिखाना था, ये मंदिर अपूर्ण मंदिर एंड नेमोर का एक यही मंदिर है जो सबसे अलग और सबसे विचलित मंदिर है और जो इसके कलाकारी है कुछ इस टाइप है क्योंकि इसके कलाकारी भी जो पहले की गई होगी क्योंकि कलाकारी करते करते आधी आधी जगह पे वैसे छोड़ दी गई, जैसे ऊपर पत्थर रखे हुए हैं और काफ़ी अच्छी कलाकारी हुई है बट जो पत्थर है वो 12वीं शताब्दी कितनी बड़ी शताब्दी होती है तो वो पत्थर भी क्या गलते जा रहे हैं और कुछ कुछ गल भी गए हैं और मतलब पूरा खंडित हुआ एक। सो गाइस ये मंदिर तो काफ़ी पुराना है, 12वीं शताब्दी मतलब जैसा का जैसा ही रह गया है और एक नाम फिर अपूर्ण मंदिर रख दिया गया क्योंकि ये मंदिर कभी पूरा ही नहीं हुआ तो उसका अपूर्ण नाम दे दिया गया है। सो गाइस हम आए थे इस मंदिर के देखने और आपको दिखाने
अपूर्ण मंदिर, क्योंकि मेरे को खुद को नहीं पता था इस मंदिर का नाम, बट हमने बाहर वो बोर्ड देखा, चार्ट देखा, उस पर लिखा था अपूर्ण मंदिर। और ये लाल पत्थर से बनाया गया कार, जिन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी उनने बताते गए कि ये मंदिर शुरू से आधा ही बना था और इसमें छत नहीं डला है। तो बेसिकली कि आज भी इसमें छत नहीं डला है और ना कोई छत डालने की। अब तो सोचते चलो ठीक है, होगा जो होगा हुआ होगा, मंदिर ही ऐसा होगा कि आधा से मतलब ऊपर छत डालना ही नहीं, बट उसमें ना तो मूर्ति है, मतलब पुराने ज़माने का ख्यालात, और शायद कंप्लीट होता होगा और उन्होंने कंप्लीट होते होते मंदिर ही बंद कर दिया। तो इसका तो हमको कुछ इतना पता नहीं है, वो ये दिखाना था मंदिर, अपूर्ण मंदिर। सो हम निकलते हैं नीचे और आपको दिखा दें नीचे का दृश्य।